हे गाइस, मैं हूँ सुजीत और आप लोग देख रहे हैं एसपी इंडियन गेमिंग। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ गरीना फ्री फायर। अब दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है अब के टाइम फ्री फायर कितना एडवांस हो गया है, कितना पॉपुलर हो गया है और कितने अच्छे ग्राफिक्स के साथ आना चालू हो गया है। पर क्या गाइस, आप लोगों को पता था कि गेम जो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था वो सिर्फ 54 MB का था? हाँ गाइस, नहीं पता था ना। सो ऐसे और अच्छे अच्छे फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को जो एक लाइक कर दो और चैनल पे नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करो ऐसे अच्छे अच्छे फैक्ट्स जानने के लिए। तो फिर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 5 की तरफ। अगर आप पहले के टाइम फ्री फायर खेलते थे तो आप लोगों ने तो बहुत ही सुना होगा फ्री फायर सस्ता पबजी है। पर अब कोई पबजी प्लेयर फ्री फायर के बारे में ऐसा क्यों नहीं बोलता? पर अब ऐसा क्या हुआ कि कोई कुछ फ्री फायर के ऊपर बोल ही नहीं पा रहा है कि फ्री फायर कार्टून है, फ्री फायर वो है, ये है। सो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूँ, फ्री फायर जो लॉन्च हुआ था, फ्री फायर का खाली एक ही मकसद था लॉन्च होने का, कि वो लो एंड डिवाइसेस प्लेयर्स के लिए लॉन्च हो जो कि अपना मतलब बैटल रॉयल का एक्सपीरियंस ले पाए और गेम को इंजॉय करे बहुत ही कम मतलब बहुत ही सस्ते डिवाइस पे, बहुत ही कम रैम वाले डिवाइस पे और बहुत ही कम स्टोरेज में। सो गाइस, फ्री फायर जब लॉन्च हुआ तब गरीना का खाली एक ही मकसद था, जिनके पास अच्छे डिवाइसेस नहीं हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो इस गेम को खेले, इंजॉय करे, बस यही था। और 2017 में इसीलिए 54 MB में लॉन्च हुआ गेम, जिसमें ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं थे। और फिर उसके बाद जब गाइस गरीना के पास पैसे आए, यानी 2018 में बूस्ट मिला और 2019 में लॉकडाउन के वजह से इतना ज़्यादा बूस्ट मिल गया ना गाइस, कि अब गरीना ने सोच लिया कि हाँ, अब हम अच्छे से गेम को मतलब डेवलप कर सकते हैं वापस से। और तब उन्होंने अनाउंस कर दिया फ्री फायर मैक्स का, और यही फ्री फायर मैक्स का आज हम खेलते हैं फ्री फायर मैक्स को। हालांकि बहुत बंदे नहीं खेलते हैं, मैं भी नहीं खेलता। और तब जाके गरीना ने ग्राफिक्स को इतना इम्प्रूव किया। उसके बाद से गाइस पबजी जो जब बैन हो गया ना, तब तो गरीना ने मतलब पूरा मचा ही दिया गाइस। अभी पूरा का पूरा जो है मार्केट जो है कवर कर लिया। कॉल ऑफ ड्यूटी तो इतना लोगों को खास नहीं लगा जितना फ्री फायर को लोगों ने पसंद किया गाइस। तब तो गाइस बस पूरा फ्री फायर फ्री फायर फ्री फायर। और अब देखो गाइस कि एकदम नेक्स्ट लेवल पे गया है गेम, एकदम नेक्स्ट लेवल। इसीलिए गाइस अब किसी की हिम्मत नहीं है फ्री फायर को कुछ बोले। फैक्ट नंबर 4। सो गाइस, अब सभी लोगों को पता है कि ऑनलाइन गेम्स में भी करियर है, ऑनलाइन गेम्स में भी हम ई-स्पोर्ट्स के थ्रू करियर बना सकते हैं। सो क्यू गाइस, वाई इंडियन कम्युनिटी ऑफ फ्री फायर इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन ई-स्पोर्ट्स? ऐसा क्यों है गाइस? तो गाइस, अभी तो कुछ टाइम पहले ही 75 लाख रुपीज़ का जो है प्राइस पूल हुआ था और बहुत सारे प्लेयर्स इतने अच्छा खेलते हैं पर फिर भी उनको ई-स्पोर्ट्स में कुछ नहीं करना, ऐसा क्यों है गाइस? तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, फ्री फायर की जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस है उनका एज बहुत ही कम है, 10-12 साल 13 साल ऐसे ही है। और जो फ्री फायर के ई-स्पोर्ट्स जो खेलने रहते हैं मिनिमम 16 अप होने चाहिए एज। और इतने जो है फ्री फायर में इतने लोग नहीं है जो 16-17 साल के हैं जो गेम खेलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे 10 मतलब टीनेजर होते हैं, 10, 9, 11, 12 ऐसे एज के होते हैं, इसीलिए गाइस वो खेल नहीं पाते। हालांकि लोकल टूर्नामेंट्स खेलते हैं, शायद होंगे खेलते होंगे, मुझे क्या पता अब गाइस। इसीलिए गाइस इंडियन कम्युनिटी जो है इतना ई-स्पोर्ट्स में वो नहीं करती। और जो 16-17 साल के होते हैं उनका जो है 10th होता है और फिर भी बहुत कुछ होता है, स्टडीज़, करियर्स, ये सब के पीछे। और इंडियन कम्युनिटी में ऐसा ही होता है गाइस, इतना कोई गेम्स को सपोर्ट करता है नहीं। और गाइस ये एक तरीके से नेपोटिज्म भी हो गया। क्यों गाइस, अब फ्री फायर में क्या नेपोटिज्म? अभी ऐसा थोड़ी है कि कोई पिताजी फ्री फायर में स्पोर्ट्स है प्लेयर है तो दूसरा भी स्पोर्ट्स प्लेयर होगा, ऐसी बात नहीं है। अभी जो गाइस जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स करवाते हैं, अभी मैं नाम तो नहीं ले सकता उनका, जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स की जो करवाते हैं वो जो ऐसे प्लेयर्स को ही खिलाएंगे ना, ऐसे प्लेयर्स की टीम को जिनके अच्छे अच्छे बड़े बड़े मतलब ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो, वैसे प्लेयर को क्यों खिलाएंगे?
कि जिसका मतलब जो कोई यूट्यूब पे है ही नहीं और यूट्यूब करता ही नहीं है, और उसके करता भी होगा तो बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स है, ऐसे में उनका क्या फ़ायदा होगा? वैसे तो उनका स्ट्रीम को ज़्यादा देखना पसंद नहीं करेगा, इसीलिए गाइज वो अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्लेयर्स को खिलाते हैं जिनके 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, और फिर उनकी जो स्ट्रीम है वो रेकमेंड होती है, और फिर उससे वो बहुत मोटा पैसा कमाते हैं। पर उनको भाई फ्यूचर नहीं दिखता गाइज, क्या पता आगे जाके स्पोर्ट्स भी एक स्कूल में सब्जेक्ट की तरह हो जाए, अभी तो बहुत टाइम है उस चीज़ के लिए, और देखते हैं इंडिया में कब तक इतना फेमस होता है स्पोर्ट्स। तो गाइज आपके फेवरेट स्पोर्ट्स प्लेयर को मेरे को कमेंट में बताना आपका फेवरेट स्पोर्ट्स प्लेयर कौन है। अब गाइज बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 3 की तरफ। अब गाइज अभी तो गिव अवेज के पीछे कौन नहीं भागता है गाइज। हाँ गाइज हर एक सर्वर में कोई ना कोई गिव अवे के पीछे भागता ही है, अब हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, हर एक सर्वर में कोई ना कोई गिव अवे के पीछे भागता ही है। फ्री का माल आखिर किसको नहीं चाहिए, कौन छोड़ेगा फ्री का माल भाई। पर आप लोगों को क्या पता है कि ये जो गिव अवे का ट्रेंड है किस यूट्यूबर ने लाया था? और गाइज आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि अज्जू भाई ने पहले टाइम गिव अवे का ट्रेंड लाया था, अज्जू भाई ने। पर गाइज इससे पहले ज्ञान गेमिंग जो है गिव अवेज करते थे, और यही अज्जू भाई ने फायदा उठा के गिव अवेज को एक ट्रेंड ही बना दिया एकदम, और यही बड़ा से बड़ा यूट्यूबर जो है गिव अवेज करके चैनल को ग्रो करता है। अब गाइज चैनल तो ग्रो होना चाहिए ना कैसे तो गिव अवेज करके चैनल को ग्रो तो करना पड़ेगा, पेट तो चलाना पड़ेगा, इसीलिए गाइज गिव अवेज का जो ट्रेंड है मतलब हर एक बंदा मतलब गिव अवेज के वीडियोस को वॉच करने की कोशिश करता है, कोई गेम प्ले को आजकल सपोर्ट नहीं करता है। और गाइज ये तो तब एकदम ये गिव अवेज के ट्रेंड ने तो एकदम गाइज तबाही मचा रखी है, शायद ही कोई यूट्यूबर होगा जो गेम प्ले के वीडियोस डाल के इतना तेज जो ग्रो करता है जितने गिव अवे वाले यूट्यूबर करते हैं। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि गिव अवे वाले यूट्यूबर सब बेकार होते हैं और खाली अपना धंधा चलाते हैं बाकी का नहीं सोचते, ये गाइज मैं ऐसे ही एक इन्फॉर्मेशन दे रहा था आप लोगों को। और गाइज अब बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 2 की तरफ। अब गाइज फ्री फायर को पेड फायर क्यों बोला जाता है, पे टू विन क्यों बोला जाता है? अब फ्री फायर में इतने सारे गन स्किन जो है उसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं, हालांकि ये अच्छी बात है जो अपने डायमंड इन्वेस्ट करके गन स्किन खरीदते हैं, और टूर्नामेंट्स में गन स्किन तो कुछ काम के होते ही नहीं है, टूर्नामेंट्स में तो गन स्किन के एबिलिटीज सब ऑफ कर दी जाती है। तो गाइज फ्री फायर को पे टू विन गेम क्यों कहा जाता है? अब गाइज और अभी जो आप लोगों ने इसके पहले वाला गिव अवे वाला फैक्ट देखा, सो ये जो सेकंड फैक्ट है उससे कई ज़्यादा कनेक्टेड है। तो गाइज पहले के जो प्लेयर्स थे उनको डायमंड से कोई मतलब नहीं था गाइज, बस हाँ एक दो बंदे थे जो स्कल मास्क ये सब के पीछे भागते थे, और बाकी कोई भी किसी भी बंदे को जो है इतना डायमंड्स में इंटरेस्ट नहीं था। पर जब से ये गिव अवे वाला ट्रेंड आया ना गाइज तो तब तो गाइज गरीना को अपने आँखों के सामने प्रॉफिट दिख रहा था, अब हर कोई बिजनेसमैन जिसको अपने आँखों के सामने प्रॉफिट दिखेगा वो क्यों नहीं करेगा गाइज, ऐसा प्रॉफिट क्यों नहीं कमाएगा वो। तो इसीलिए गाइज फ्री फायर ने जो है बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें लाई और बंदों का जो मन अट्रैक्ट किया गिव अवे वाले से, और फिर बंदों को पता चला कि टॉपअप करने से ये सब होगा, और फिर उन्होंने दबा के टॉपअप करना चालू कर दिया। पहले हालांकि किसी को कुछ मतलब नहीं था डायमंड से, मेरे को भी नहीं था, पहले मैं बस इंजॉय के लिए खेलता था और पहले कुछ ही बंदे थे जो टॉपअप करते थे, पर गरीना ने इतना अपग्रेड कर दिया अपने आप को, और ये गिव अवे वाले यूट्यूबर्स ने जो है तब इतना मतलब वो पकड़ लिया ना गाइस, मतलब क्या बोलते हैं एकदम जो समझो कि कोई बीमार है और डॉक्टर ने एकदम तुरंत इलाज पकड़ लिया, सो वैसे ही ये गिव अवे वाले यूट्यूबर्स ने किया और इस इलाज को जो है पूरा पकड़ लिया और पूरा मतलब तबाही ही मचा दी, और फिर बाकी बंदों को भी इसमें इंटरेस्ट आने लगा, हाँ भाई ये बंदे को मिला है हमको नहीं मिला, हम इसे टॉप अप करके ले लेते हैं या फिर हम इसके और वीडियोस देखते, क्या पता हमें भी मिल जाए और हम बंदे को ऐसे मारेंगे वैसे मारेंगे। और फिर उसके बाद कैरेक्टर स्किल्स ये सब आ गए, और फिर भाई बस ख़त्म फ्री फायर कम्युनिटी पूरी जो है मतलब एकदम मतलब गेम जो था रियलिस्टिक से पूरा एकदम एनिमेटेड गेम हो गया गाइज उसके बाद से, और गरीना ने बहुत प्रॉफिट कमाया, और इसीलिए हमारे पास भी अभी आलोक है, हालांकि मेरे जो वीडियोस दिख रहे हैं शायद 2-3 बंदों के पास शायद नहीं भी होगा,
अभी क्या पता गाइज, अभी तो गाइज हर एक शायद बच्चे बच्चे के पास ही आलोक है, 10 रुपये का ड्रॉप मार के ले लेते रहेंगे या फिर कैसे तो ले लेते हैं, हालांकि होगा सबके पास। इसी तरह से गाइज गरीना बन गया पेड फायर, फैक्ट नंबर 1। सो गाइज अब मैं आपको कुछ इवोल्यूशन ऑफ फ्री फायर कैरेक्टर्स के बारे में बताता हूँ। 2017 तक हमारा शाही एडम फेमस था, और फिर 2018 में एंड्रयू के लिए बंदे बहुत ज़्यादा वो होने लगे, मरने लगे। फिर उसके बाद बंदे हयातो के पीछे भागने लगे, और फिर उसके बाद हयातो के बाद आया आलोक, जिसने पूरा मतलब पूरा जो एक साल तक डेढ़ साल तक पूरा ही आलोक 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 होने लगा। फिर उसके बाद गाइज आया क्रोनो, क्रोनो के बाद गाइज आलोक का जो मतलब वो था पूरा ही ख़त्म हो गया। आलोक का जो पूरा मतलब क्या बोलते हैं, आलोक जो जितना भी उसने आलोक ने जो पूरा आलोक आलोक होता था वो एकदम ख़त्म सा हो गया। और फिर क्रोनो के बाद गाइज आया हुकोंग। अब गाइज हुकोंग भी अभी इतना नहीं चलता है, अभी स्काइलर चल रहा है और के कैरेक्टर चल रहा है। सो गाइज ऐसे जो कैरेक्टर्स की जो स्किल्स है उसको छेड़ा क्यों जाता है, क्या आप लोगों ने ये कभी सोचा है? अगर सोचा है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ऐसा क्यों होता है गाइज? सो लोग कहते हैं कि डिसबैलेंस हो जाता है गेम बहुत ज़्यादा ही। अभी अगर इतना क्रोनो क्रोनो चलता तो ये जो स्काइलर और बाकी सब कैरेक्टर्स हैं उनको तो शायद कोई यूज़ करता। इसीलिए गाइज गरीना जो है कैरेक्टर्स की स्किल्स को छेड़ती रहती है हमेशा हमेशा, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करती रहती है गरीना। अब गरीना है कुछ भी कर सकती है, क्या पता अभी कल को एक हिपॉप रिटर्न डाल दिया। सो हमारे हाथ में थोड़ी ना है, इसीलिए गरीना ऐसे स्किल्स को छेड़ती है ताकि डिसबैलेंस क्रिएट ना हो। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।